नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आज हम अष्टांग योग की चर्चा करेंगे। कुछ विद्यार्थियों ने भी इसके लिए फरमाइश की थी और जीवन के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले योग की परिभाषा देखते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो यजुर योगे धातु से करण अर्थ में घय प्रत्यय होकर के ये योग शब्द बनता है, ऐसा पाया जाता है। युज्यते अनेन इति योगा, ये भी एक योग की परिभाषा है कि जिसके द्वारा जुड़ता है उसको योग कहते हैं, या जोड़ को योग कहते हैं, या जोड़ने के बाद जो टोटल कुल सर्वाड़ा है, कुल जमा, उसको हम योग कहें। ये जुड़ना किसके साथ है, ये एक प्रश्न है। तो दर्शन की भाषा में अगर बात करें तो परमात्मा के साथ जो जुड़ना है वो योग है। तो वास्तविक जो दार्शनिक योग है वो तो यही था कि जीवात्मा परमात्मा के साथ जो जुड़ेगा उसको योग कहेंगे। लेकिन आज तो मैनेजमेंट भी योग सिखाता है। हमारे नरेंद्र मोदी ने तो 21 जून को योग डे बना दिया है, योगा डे है। और वो तो नेताओं को भी योग करवाते हैं, राजनीतिज्ञों को भी योग करवाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए योग का सहारा अवश्य लेना चाहिए, या योग उसके जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, सफल बनाता है। विद्यार्थी योग करेगा वो अच्छे ढंग से पढ़ पाएगा। जो भी व्यक्ति योग करेगा वो योग के कारण अपने कार्य में अधिक एकाग्र मन से काम कर पाएगा, सफलता प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि योग का सही अर्थ है जो इसकी पहली परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी है, योगः चित्त वृत्तिर निरोधः। चित्त वृत्तियों को रोकना, उनका निरोध करना, इसका नाम योग है। अभी चित्त वृत्तियों का निरोध क्या है? जनरली क्या होता है कि हम जीवन में जो कार्य करते हैं वो एक चीज है, लेकिन हमारा मन जो हमसे करवाता है वो दूसरी चीज होती है। हम ऑफिस में तो आए हैं, नौकरी तो करने आए हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा है। मन कहाँ लग रहा है? आज तो यार क्रिकेट की मैच है, आज तो मैच चल रही है, मैच देखनी है, स्कोर देखना है, ये करना वो करना। ये जो मन है ये आपके चित्त को अलग दिशा देता है। और जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मन जो है सभी इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करता है। इंद्रियां विषयों का उपभोग नहीं करती, इंद्रियां तो मात्र साधन है, उसका जो वास्तविक आनंद है वो तो मन ले रहा होता है। और इसलिए मन उस आनंद को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों को हमेशा दौड़ाता रहता है। अच्छा टेस्टी खाना दिखा तो तुरंत ही मुंह में पानी आ जाएगा, अच्छी सुगंध आई तो उस ओर मन दौड़ जाएगा, कुछ अच्छा दिखाई दिया, कुछ सुंदर दिखाई दिया तो उस तरफ मन जो है आकर्षित हो जाएगा। ये जो सारी चीजें हैं इनको रोकना है, चित्त को इन सारी चीजों में ना लगा करके आप जिस विशिष्ट दिशा में लगाएंगे, विद्यार्थी तो पढ़ने में लगा सकता है, इधर उधर मन को ना भटकने दे। अगर आप कार्मिक हैं, काम कर रहे हैं, तो आप अपने मन को इन सारी दिशाओं में ना दौड़ने दें और अपने काम में अगर लगाएंगे तो उसमें आपको कौशल्य प्राप्त होगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में इसकी परिभाषा जो श्री कृष्ण ने दी कर्मयोग की शिक्षा देते हुए, वो कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम्। कर्म में कौशल्य, ये योग है। तो भैया अगर योग करोगे तो कर्म में कौशल्य की प्राप्ति होगी, योग उसका साधन है। तो कर्म कौशल्य ही योग है। आगे श्रीमद् भगवद गीता में एक और परिभाषा दे दी, समत्वम योग उच्यते। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण मान अपमान सब में समान भाव हो तो उसको योग कहा जाता है। भैया वास्तव में योग का जो अर्थ है वो तो ईश्वरीय है, लेकिन जीवन में इसका महत्व इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ये आपको हर जगह मददगार है, हर जगह आपको सफल बनाने का साधन बनता है। इस योग की
जो ईश्वरीय परिभाषा है वो तो यही कहती है कि संयोगो योग इत्युक्तः, संयोग को योग कहा जाता है, जीवात्मा परमात्मयोः, जो परमात्मा से जीवात्मा का संयोग है उसको योग कहा जाता है। ये तो एक एक विषय ऐसा है कि जिसके ऊपर समत्वम योग उच्यते कहें, या योगा कर्म सुकौशलम कहें, या योगा चित्तवृत्ति निरोधा कहें, या संयोगो योग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मयोः, इन सब के ऊपर एक एक वीडियो नहीं, एक एक महान ग्रंथ लिखा जाए, इतना कुछ कहने के लिए है। लेकिन अभी हमारा विषय है अष्टांग योग। तो एक सूत्र ये भी कहता है अष्टांगो योग उच्यते, योग के आठ अंग कहे गए हैं। ये आठ अंग कौन कौन से हैं, जरा उनकी चर्चा करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। देखिए समाधि ये योग की अंतिम अवस्था है, लेकिन उस समाधि तक पहुंचने के लिए जो ये आठ अंग कहे गए हैं, इन सब का समन्वय आपको समाधि तक ले जा सकता है। तो क्या है ये? तो यम, जैसा कि हम जानते हैं, अहिंसा सत्यमस्ते ब्रह्मचर्यो परिग्रह, ये यम है। अहिंसा, अहिंसा क्या है? किसी को मारना, किसी को मार डालना, यही हिंसा नहीं है? अहिंसा तो किसी का दिल ना दुखाए, मारना तो बहुत दूर की चीज है, तब आप अहिंसक हुए। कई बार क्या है कि व्यक्ति अगर किसी को थप्पड़ मार दे ना तो वो उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन कुछ कह दे तो वो हिंसा ज्यादा खतरनाक होती है। तो भैया अहिंसा में ये सारी चीजें आती हैं, इनको लेके भी हम आगे चल के पूरा वीडियो बनाएंगे एक एक विषय को लेकर के। अभी संक्षेप में समझ लें तो किसी को दुख ना पहुंचाना, मैं इसको अहिंसा मानता हूं। सत्य से सभी परिचित हैं, वो कई बार सापेक्ष हो जाता है, लेकिन सापेक्ष नहीं होना चाहिए, सत्य सत्य होना चाहिए। सापेक्ष को हम सत्य नहीं मानते हैं, जो सत्य है वही सत्य होता है। ना सत्य विद्यतो भावा, ना भावे विद्यतो सता। जो सत्य है वो हमेशा सत्य रहता है, वो कभी झूठ नहीं होता है, और जो झूठ है आप कितनी भी कोशिश कर लें वो कभी सत्य नहीं हो सकता है। इसको याद रखें, सत्य की परिभाषा नहीं है ये, आत्मा की परिभाषा है, लेकिन जो सत्य है उसी से ये सत्य शब्द बना है, इसलिए यहाँ पे हमने इसकी बात की। अस्ते, चोरी ना करना। चोरी में भी बहुत प्रकार की चोरियाँ हैं। आजकल तो पढ़ने वाले विद्यार्थी PhD वाले तो बहुत कुछ इंटरनेट से चुराते हैं, इसलिए इस प्रकार की पूरी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, भाई अगर आप चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, तो वो भी चोरी है। खाली पैसा किसी का चुरा लेना वही चोरी नहीं है। भैया ज्ञान की चोरी कीजिए, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ज्ञान की चोरी हो नहीं सकती है, हर तो याति न गोचरम। तो विद्या की चोरी नहीं हो सकती है, वो तो आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, लेकिन वो चोरी करो तो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी करने लग जाओ, नकल करने लग जाओ। गुजरात में नकल करने को चोरी करना कहते हैं। विद्या की चोरी का अर्थ यह है कि कोई व्याख्यान दे रहा है, आपको सुनने का अधिकार नहीं है, फिर भी आप खड़े होकर उसको सुनने लग गए, आपने उसमें से कुछ प्राप्त कर लिया, तो भले वो आपने चोरी से प्राप्त किया है लेकिन वो चलेगा, मैं उसको उत्तम मानता हूं। बाकी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, लोग बागों ने ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ बड़ा संकुचित कर दिया है। जननेन्द्रिय निग्रह मात्र ब्रह्मचर्य नहीं है भैया, ब्रह्मचर्य थी, जो ब्रह्म का आचरण करता है, जो ब्रह्म में विचरण करता है, जो ब्रह्म का विचार करता है वो ब्रह्मचारी होता है। अब हमने क्या कर दिया कि दो चीजें समान हैं, या तो हमें अपने प्रेमी तत्व का ध्यान रहता है, या हम ईश्वर के ध्यान में रहेंगे, तो ईश्वर के ध्यान में रहेंगे तो ब्रह्मचारी, और व्यक्ति के ध्यान में रहेंगे तो व्यभिचारी, ऐसा हमने बना दिया। नहीं, यह ब्रह्मचर्य का अर्थ उतना सीमित नहीं है, यह ब्रह्मचर्य अर्थ का शब्द का अर्थ जननेन्द्रिय निग्रह तक सीमित नहीं है, यह ब्रह्म वो भी इसका एक भाग है, कि ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है ब्रह्म का विचार करने वाला। देखिए ये जितनी चीजें कही गई हैं, सत्य है, अहिंसा है, अस्त्य है, या ये ब्रह्मचर्य है,
आगे इसके साथ अपरिग्रह आता है। ये सारी चीजें पहले मानसिक है। कई बार अपरिग्रह की बात करें तो जितनी जरूरत है उससे ज्यादा इकट्ठा ना करना, इसका नाम अपरिग्रह है। अब भैया पहले क्या हुआ करता था कि महात्मा लोग सन्यासी लोग एक लंगोटी और एक अचला दो चीजें ली और कहीं भी निकल गए। करतल भिक्षा तरुतल वासा, काम खत्म हो गया। लेकिन आज तो व्यक्ति निकलता है तो सूटकेस में उन्होंने कहा कि एक जोड़ी कपड़े नहीं 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 सुबह ये पहनेंगे, दोपहर ये पहनेंगे, शाम को ये पहनेंगे, यानी एक दिन के 3 जोड़ी कपड़े चाहिए। और कहीं 6 दिन के लिए जाना हो जाए तो 15 जोड़ी कपड़े, जितना उसका खुद का वजन नहीं उससे ज़्यादा तो पुलिंदा बांध के घूमता है। भैया अपरिग्रह का अर्थ यह है कि आपको एकदम निर्द्वंद बिंदास सुखी रह सकेंगे, ये है अपरिग्रह का अर्थ। लोग बाग खाली घर में उनने अनाज भरा या नहीं भरा, उनने ये किया या नहीं किया, इसको अपरिग्रह के साथ जोड़ते नहीं। अपरिग्रह का अर्थ है कि आपके पास कुछ भी जो आपकी जरूरत से ज्यादा है उसको अपने पास न रखना। तो ये तो हुए यम। फिर आता है नियम, और नियम में सबसे पहली चीज है पवित्रता। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान है, ये सारी चीजें नियम है। लेकिन मैं नियम को जरा अलग ढंग से देखता हूं। नियम वो है कि नित्य प्रति आपको सुबह उठना है, आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। जीवन व्यक्ति का नियमित होना चाहिए। अगर जीवन नियमित नहीं है तो वो योग नहीं कर सकता है। योग के लिए जीवन का नियमन होना बड़ा ही जरूरी है। एक प्रक्रिया, एक क्रम कि सुबह उठेंगे तो 5 बजे उठेंगे, तो 5:30 बजे हम ये करेंगे, तो हम 6 बजे ये करेंगे, एक क्रम में आप चलेंगे तो ही। तो नियम का अर्थ जो है, एक तो पवित्रता उसमें होनी चाहिए नित्य प्रति। शारीरिक मानसिक पवित्रता के लिए तो यम है ही है, लेकिन नियम में शारीरिक शुद्धियों की भी जरूरी है। तो यम और नियम ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति के लिए पहली शुरुआत है योग की। अगर आपका मन, जिनको यम कहा गया उनके साथ नहीं है, तो वो चित्त की वृत्ति का निरोध हो गई नहीं। और अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भी, अब आज तो ठंडी ज्यादा लग रही तो आज हम थोड़े सोते रह जाएं, या आज तो ये मैच चल रहा है तो आज हम ऐसा नहीं करें, आज तो ऐसा हो रहा तो हम ऐसा नहीं करें, जहां आपका नियम टूटेगा वहां योग वाली स्थिति नहीं आ सकती है। तो नियमों का पालन बड़ा जरूरी है, और जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए नियमों का होना बड़ा ही जरूरी है। आसन ये बड़ा ही आवश्यक अंग है समाधि के लिए। देखिए आसन क्या है कि आप जिस स्थिति में, बहुत सारे आसन हैं, लेकिन आप जिस स्थिति में एक साथ एक विशिष्ट समय तक 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे बैठे रह सके, वो आसन है। क्योंकि समाधि के लिए आसन की बहुत जरूरत है। अभी इस वीडियो में मैं 4 बार इधर से इधर घूम चुका हूं, क्योंकि आसन सिद्धि नहीं है, आसन सिद्धि बहुत जरूरी है। व्यक्ति एक बार बैठ जाए तो उसी मुद्रा में वो बैठा रह सकेगा तो ही उसकी बाकी की सिद्धियां संभव है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब तक आपका शरीर आपको ये सूचनाएं देता रहेगा कि यार नहीं नहीं ऐसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, ऐसे बदलना है, ऐसे ठीक नहीं लग रहा, ऐसे बैठना है, तब तक आप अपने शारीरिक उनसे ही बाहर नहीं आते हैं तो मानसिक तौर पे आप ईश्वर के साथ कहाँ जुड़ पाएंगे। इसलिए आसन का बड़ा महत्व है। और जैसा कि हम जानते हैं, पद्मासन और सिद्धासन, ये 2 आसन ऐसे हैं कि जिनमें व्यक्ति अगर कोशिश करे तो लंबे समय तक बैठ सकता है। हमारे जितने प्राचीन ऋषि मुनि के चित्र हम पाते हैं तो या तो सिद्धासन में होते हैं, पद्मासन में होते हैं। पद्मासन फिर भी थोड़ा कठिन है क्योंकि उसमें पैरों को मुड़ना होता है और वो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन सिद्धासन सरल है। हमने उसको और सुखासन बना दिया, सिद्धासन से भी हमने उसको सुखासन बना दिया। लेकिन ठीक है, सुखासन भी अगर आप बनाएं या सिद्धासन में, आप जिस आसन में एक लंबे समय तक बैठ सकें वही आसन आपके लिए श्रेष्ठ है। और उस आसन में बैठ के ही आप
समाधि के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। प्राणायाम, देखिए हम जानते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि भाई जितनी सांसें व्यक्ति लिखवा के आया है उतना ही इस दुनिया में व्यक्ति को जीने को मिलेगा। तो ये जो सांसें हैं, ये प्राण वायु जो है, इसका एक निश्चित आयाम, बालक जो होता है उसकी श्वास तीव्र चलती है, स्वस्थ व्यक्ति के श्वास में उतनी तीव्रता नहीं पाई जाती है, रोगी व्यक्ति होगा उसकी सांस तेज चलने लग जाएगी। तो भैया अगर आप ये प्राणायाम करते हैं तो ये आपके प्राणों को, आपकी प्राणवायु को एक आयाम, एक निश्चितता देता है। कई प्रकार हैं, कुंभक, पूरक, रेचक हैं, कपालभाति, बहुत सारे, तो अब तो बाबा रामदेव ने इतने सारे इसका वो कर दिया है कि आप एक वीडियो देखें तो आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी, लेकिन इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। आशय इसका एक ही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी श्वास किस तीव्रता से कहां तक चल रही है। ऐसा तो नहीं ऊपर ही ऊपर छाती तक आई और छाती से वापस चली गई। जरूरी है कि आप जब श्वास लेते हैं तो आपका श्वास आपके नाभि मंडल से नीचे तक जाना चाहिए और वापस आना चाहिए। प्राणायाम का ये सबसे बड़ा काम है। okay? पूरा विषय है, मैंने जैसे कहा कि 8 जो अंग हैं अष्टांग योग के, उन पे सब पे एक एक वीडियो बनेगा। अभी थोड़ा संक्षेप में बात कर रहे हैं। इसलिए प्रत्याहार क्या है? अपनी इंद्रियों को जो यम के द्वारा शुरुआत की, जो नियम के द्वारा शुरुआत की, योगश्चित वृत्ति निरोधा, वो बाह्य उनमें से उनको मोड़िए और अंदर की तरफ लाइए। अब इसके लिए रास्ता क्या है? इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भैया अभ्यास ये निक रहे थे, अभ्यास से ये संभव है, पर अभ्यास किसका करें? तो अगर ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं तो वास्तव में तो निराकार ईश्वर का ध्यान करना है, लेकिन निराकार ईश्वर का ध्यान करने में हम आंख बंद करते हैं तो वो निराकार की जगह पे तो हमें कहीं और कोई और दिखाई देने लग जाता है। इसलिए भगवान ने वहां सगुण उपासना का एक उपदेश दे दिया कि आप जो कुछ करते हो मेरे लिए करने लग जाओ। तो किसी भगवान की मूर्ति को या किसी ऐसे तत्व को आप अपना आधार बना लो कि आपका मन जब चिंतन करने बैठे तो उसका चिंतन करें, आप जब कुछ करना चाहें तो उसके लिए करना शुरू कीजिए। मान लीजिए वैष्णव लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, सुबह उठेंगे तो उन्हें 5 बजे उठ जाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का दिन है और 5:30 बजे भगवान को उठाना है तो भगवान से पहले उनको उठ जाना पड़ेगा। उन्हें अगर खाना बनाना है तो भगवान का भोग लगाना है, इसलिए खाना बनाना है। तो ये इस प्रकार से जिन लोगों का जीवन होता है उनकी हर चीज़ भगवान के लिए हो जाती है, वो अपने लिए नहीं सोचते हैं। और इस प्रकार से जब आप अपने विचारों को भगवान के प्रति मोड़ते हैं, ईश्वर परमात्मा के प्रति मोड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रत्याहार। बाह्य विषयों से मन को अंतर्मुख करना, इसका नाम है प्रत्याहार, धारणा। अब देखिए जब आप प्रत्याहार कर लेंगे, फिर आप जब सब चीजों को एक निश्चित, जैसे अभी क्या है कि हम धारणा क्या करते हैं, अरे यार अगर हम 5 बजे घर पे नहीं पहुंचेंगे तो पत्नी को गुस्सा आ जाएगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पत्नी को ऐसा लगेगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चों को ऐसा लगेगा। ये सारी हमारी धारणाएं हैं, हमेशा ऐसा होता नहीं है। ये सारी धारणाएं जब हम ईश्वर के प्रति बना लेंगे तो इसका नाम है धारणा। यानी आपको कोई भी विचार जो आएगा वो ईश्वर के प्रणिधान में, ईश्वर के विचार में आएगा। और इस प्रकार से जब आपकी धारणा को आप दृढ़ करेंगे तो आप ध्यान कर पाएंगे। इसका अगला स्टेप है ध्यान। फिर अगर आप ध्यान करेंगे तो जैसे ऑफिस में घड़ी में 5 बजे और घड़ी आपने देखी, उसके साथ ही घर का ध्यान, और फिर पत्नी ने कहा था कि ऑफिस से आने के टाइम पे ये करके आना, और बच्चे ने ये कहा था, सारी चीज़ें कैसी आपके मन पे काम करने लग जाती हैं। या कोई विद्यार्थी है तो कल मेरी ये परीक्षा है और इस परीक्षा के संदर्भ में मुझे ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, एक बार परीक्षा याद आए तो उसके साथ साथ में कितनी सारी चीज़ें आपको याद आने लग जाती हैं, क्योंकि ये आपकी धारणाएँ हैं। इस प्रकार से जब आपकी धारणा ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति, परमात्मा के प्रति जुड़ जाएगी तो आपके ध्यान में परमात्मा ही आएगा, ईश्वर ही आएगा, भगवान ही आएगा, फिर आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। और
जब आप उसी ध्यान में रहेंगे तो आप समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कभी जीवन में ऐसा सुअवसर मिला नहीं कि समाधि लगी हो, लेकिन यह सुअवसर जरूर मिला है कि मैंने समाधिस्थ लोगों को देखा है, और ये बड़ा सौभाग्य है मेरा, और मैंने ये बचपन से देखा है। मैं नैमिषारण्य में पढ़ता था, वहां हमसे ये ध्यान करवाया जाता था। मेरे साथ एक विद्यार्थी था, श्रीकांत नाम था उसका, और वो जब भी इस तरीके से बैठता था तो ध्यानस्थ होकर के वो समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लिया करता था। और समाधि की स्थिति में क्या है कि जैसे बालक सो गया हो, तब हमारी उम्र ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, हम 12-13 साल के थे, श्रीकांत की भी उम्र यही थी, तो 13 साल का बच्चा या 12 साल का बच्चा वो सो गया हो ना, तो ऐसा नहीं है सोने पे बच्चे को जगाया जाता, भाई रोज़ सोता है, रोज़ हम तो रूममेट थे, अगर उसको जगाते हैं तो एक आवाज़ श्रीकांत चलो यार समय हो गया, तो उठ जाया करता, लेकिन समाधि में ऐसा नहीं होता है। समाधि की स्थिति क्या है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आत्मा जो है उसके शरीर के बंधनों से मुक्त होकर के और आसमान में एक अंतरिक्ष में विचरण कर रही है, और जहां वो इस प्रकार की अनुभूतियों को प्राप्त कर पाती है, जो वो शरीर के जो बंधन है, जो दुख है, उन सबसे मुक्त होकर के और एक विशिष्ट प्रकार के आनंद की अनुभूति कर पाती है, ये है समाधि की स्थिति। क्योंकि जिन लोगों से मैं बचपन से लेकर के मिला हूँ, उनसे जब जो बातें की हैं, आज भी वो सारी चीज़ें मुझे उसी तरीके से याद हैं। वो कहता है ऐसा लगता था कि जैसे मैं आकाश में कहीं उड़ रहा हूं। और समाधिस्थ व्यक्ति को तुरंत जगाया नहीं जा सकता, उठाया नहीं जा सकता है, जगाना उठाना उसके लिए हितकर भी नहीं होता है। हम लोग वन में जाते थे, वहां बैठ करके समाधियां लगाई जाती थी, और उसके बाद उसको उठा करके हम उसके रूम तक ले आते थे, दो ढाई घंटे तक वो इसी समाधिस्थ मुद्रा में है, और दो ढाई घंटे के बाद कभी शंखनाद करके भी उसको उठाने की कोशिश की गई है, तो 2-2.5 घंटे के बाद वही शंखनाद से वो उठ जाता है, जो शुरुआत में अगर शंखनाद किया जाए तो वो नहीं उठा करता था। तो ये है समाधि की स्थिति कि व्यक्ति सुसुप्तवत आत्मा उसके शरीर से बाहर विचरण करके आ जाए और फिर भी शरीर उसका जीवित बना रहे। हम इसको आत्मा और शरीर जब एक दूसरे के, आज हमारे आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं, आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती है और शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आत्मा शरीर के बिना बाहर जाकर के उसका आनंद प्राप्त करती है। और संभवतः यही स्थिति जो है इसमें शंकराचार्य ने कश्मीर के राजा के शरीर में प्रवेश करके और उनकी रानियों के साथ जो पूरी प्रक्रिया वर्णित है वो की होगी। तो ये समाधि की स्थिति है, ये 8 जो अष्टांग योग के अंग हैं उनकी चर्चा आपसे की है। सारे चक्र हैं, जैसा कि हमें मालूम है हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जब हम समाधि की स्थिति तक पहुंचते हैं तो ये सारे चक्र एक तरीके से गतिमान हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। ज़्यादा विस्तार से यहाँ चर्चा ना करके अष्टांग योग की चर्चा यहाँ पूरी करता हूँ। देखते रहिए, आपको अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों तक पहुंचाइए, उनको भी बताइए। धन्यवाद।